नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि रामगढ़ के चैनगढ़ा गांव के निवासी सलीम अंसारी और खोतन महतो दोनों चैनगढ़ा स्थित छिन्नमस्तिका हेयर फैक्ट्री में कार्यरत थे। दोनों को लॉकडाउन लगने के बाद बैठा दिया गया, परंतु अभी तक पुनः उन्हें काम पर नहीं लिया गया। लगभग 10 महीने हो चुके हैं। इस संबंध में इन दोनों श्रमिकों को पुनः काम पर लेने तथा 2019-20 का बकाया बोनस एवं छुट्टी का पैसा दिलाने के लिए झारखंड प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अबू हसन ने श्रम अधीक्षक रामगढ़ दिगंबर महतो से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही फैक्ट्री द्वारा लगातार प्रदूषण किए जाने का मामला भी इन्होंने उठाया है। अबू हसन ने कहा है कि अगर प्रदूषण नियंत्रण पार्षद द्वारा जारी निर्देशों को 100% अनुपालन नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, जोहार सलाम। इस कोरोना काल में राज्य की जनता सुरक्षित और स्वस्थ होगी, आशा करते हैं आने वाले समय में सुरक्षित रहेंगे। मैं अबू हसन, झारखंड प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारे पास छिन्नमस्तिका हेयर फैक्ट्री, जिसके निकट मैं हूँ, यहाँ से दो लोगों को लॉकडाउन के समय मोहम्मद सलीम अंसारी और खोतन महतो को 10 महीनों से बिठा दिया गया। जब इन्होंने फैक्ट्री के कई अधिकारियों से, कमेटी के सदस्यों से बात करके पत्र लिखकर दिया, तो इनके पत्र को अनदेखा कर दिया गया और इनको बार बार धुतकार दिया गया और इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब ये ठोकर खा के परेशान हाल में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, उस समय ये हमारे पास आए और इन तमाम मुद्दों पर मेरे से बात की है। मैंने इनको तुरंत कहा कि मैं इस संबंध में हमारे जिला के श्रम अधीक्षक दिगंबर महतो जी से मैं मुलाकात करूंगा और ज्ञापन सौंपूंगा। और मैंने श्रम अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने इनका जो लीव बोनस का पैसा प्लांट से रोक दिया गया है, नहीं दिया गया, उनकी पैसा को दिलाने के लिए वो तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे और इनको पैसा दिया जाएगा। और श्रम अधीक्षक से मेरी ये भी बात हुई कि छिन्नमस्तिका हेयर की फैक्ट्री से रात के अंधेरे में ये प्रदूषण को नियंत्रण छोड़ने का काम करते थे, जिससे यहाँ के ग्रामीण काफी निरस्त हैं, परेशान हाल में हैं, इनकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर ये आवाज उठाते हैं तो कभी इनको जेल में डाल दिया जाता है, कभी इनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, कभी इनके ऊपर जितने जुर्म सितम करने पड़ते हैं वो कर देते हैं, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। मैंने बार बार आग्रह किया श्रम अधीक्षक महोदय से कि इन जन समस्याओं पर जो लोगों के साथ परेशानियों से गुजर रहे हैं, इनका निवारण किया जाए और राज्य और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से प्रदूषण पर नियंत्रण निर्देशा और पारित किया है, जिस पर रोक लगाया है, इसके आदेश को माना जाए। अगर नहीं मानते हैं तो इसकी लड़ाई सड़क से सदन तक की जाएगी। इसी की अपनी बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद।